टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। पूरे भारत की तरह जम्मू कश्मीर भी बुरी तरह कोरोना वायरस की सेकेंड वेव की लपेट में है, इसलिए जम्मू कश्मीर में जुजवी लॉकडाउन का माहौल कायम हो रहा है। अवामी सतह पर इस वबाव के बारे में जानकारी की मुहिम भी जोरों पर कायम है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम के साथ अपने खिताब में मुकम्मल लॉकडाउन को आखिरी हल करार दिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी इस तकरीर में रमजान के महीने को खराज तहसीन पेश करते हुए रोजे की अहमियत को इस वबा के खिलाफ एक अहम रूहानी और सेहत याबी की जंग करार दिया है। नमस्कार साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। रमजान के पवित्र महीने का भी आज सातवां दिन है। रमजान हमें धैर्य, आत्मसंयम और अनुशासन की सीख देता है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए अनुशासन भी, उसकी भी उतनी ही जरूरत है। जब जरूरी हो तभी बाहर निकले, कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। मेरा आप सभी से यही आग्रह है। मैं आपको फिर ये भरोसा देता हूं, आपके इस साहस, धैर्य और अनुशासन के साथ जुड़कर आज जो परिस्थितियां हैं उन्हें बदलने में देश कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। रमजान के महीने में कश्मीर के अंदर खजूरों की जरूरत में दोगुना तिगुना इजाफा हुआ है। इस वक्त कश्मीर के तमाम इलाकों के बाजार खजूरों की इकसाम से भरे पड़े हैं। लोगों की खरीदारी खजूरों के सिलसिले में बहुत हद तक बढ़ चुकी है। इस सिलसिला में खसूसी रिपोर्ट देखिए। ये तो बहुत अच्छा है क्योंकि इंशाल्लाह रहमान जो भी ये खाए उसके सारे दर्द दूर हो जाए। और ये हमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही अच्छा खास ये खाने के लिए चीज़ है, तो इंशाल्लाह रहमान हम लोगों से यही अपील करेंगे वो खाए और अच्छी तरीके से खाए। इम्यूनिटी सिस्टम बहुत सारा बढ़ता है, तो हर कोई लाइक करता है इस टाइम खजूर ही खाना। और क्या बोलते हैं, वैरायटी की बात करें तो ये सऊदी से भी आते हैं, ईरान से भी आते हैं। पिछले साल तो कोई बिजनेस हुआ ही नहीं, पूरा ठप था, तो इंशाल्लाह होपफुल हम भी है तो खुला रहेगा, लॉकडाउन नहीं हो तो इंशाल्लाह, तो एक्सपेक्टेशन तो इंशाल्लाह। चाहे भारत में कोविड वबा की हालत काफ़ी तश्वीशनाक हो गई, मगर जम्मू कश्मीर के तरक्याती कामों में कोई रुकावट नहीं आई। जम्मू कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के नौगाम गांव में पानी का फिल्टर प्लांट अपने आबोताब के साथ बन रहा है और वहां के लोग हुकूमत के शुक्रगुजार हैं।
इस वक्त हमारे शांगस में दो मेन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो दो अलग अलग प्रोग्रामों के तहत है। शांगस इलाका हमारा NRDWP जो प्रोग्राम है इसी में चल रहा है। ये छतपल से पानी आ रहा है और शांगस के इलाके को पानी देगा। वहाँ पर हमारे कुछ कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक है हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट 1 MGD और है SR1 2 लाख गैलन्स का और इसके अलाइड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। दिसंबर से पिछले साल दिसंबर में थोड़ा रुक गया था ये सर्दी की वजह से, लेकिन आज फिर इसमें काम चालू है। इससे यहाँ जो हमें फ़ायदा मिला वो बिल्कुल इस तरह है कि हम साफ पानी पीते हैं, साफ पानी अब आ रहा है यहाँ। हर तरह की जो भी गवर्नमेंट ने यहाँ कोई काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, अच्छी तरह से काम हो रही है। हम गवर्नमेंट के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये काम जो हमें फिल्टर प्लांट दिया है, वहाँ पर टंकियाँ भी और बन रही हैं जिससे हमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा पानी में। बहुत हमने पहले बहुत मुसीबत थी, हमें ये गंदा पानी आ रहा था, ऊपर से इसमें कुत्ते भी होते थे, कीड़े मकोड़े होते थे, क्या होता था, हमें बीमारी का सामना भी बहुत उठाना पड़ा। जब से ये फिल्टर प्लान बना तब से हमें राहत की सांस ली। बहुत अच्छे से काम चल रहा है, बहुत उनको शुक्रगुजार हूँ एक्जन साहब का जिसने ऐसा काम स्टार्ट किया। तो हम इसकी बहुत उम्मीद हैं, उम्मीद हमारी अच्छी है, काम चल रहा है, अब साफ पानी। बतमूल साहब श्रीनगर में हजरत दाऊद शेख की दरगाह पर उर्स शरीफ के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी वहां के शहरियों ने तमाम मजाहब के लोगों के बीच भाईचारे की फिजा देखी। इस सिलसिला में ANI के शुक्रिया के साथ हम आपको ये खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं। Wrapped up among the busy lanes of Srinagar city lies the dargah of Sheikh Daud Sahib. Hundreds of thousands of pilgrims throng this dargah every day to bring forth the spirit of humanity and brotherhood among them. Recently, Urs or death anniversary of the Sufi saint was commemorated, which was attended by devotees of all faiths who offered their prayers to the Sufi saint. ये हमारे जो बुजुर्ग साहब है शेख दाऊद साहब बतमालो जिनको बोलते हैं, यहाँ पे एक चीज़ है कि इनको किसी भी मजहब के लोग इनको मानते हैं। ये हमारे बहुत ही मतलब बहुत नेक बुजुर्ग थे, आज इनका खास बड़ा दिन माना जाता है, इसलिए यहाँ पे लोग बड़े एतिकादी लोग यहाँ पे आते हैं अपने दुआओं के लिए, जिनको कोई मन्नत होते तो मांगते हैं। Enlightening the atmosphere of दरगाह during the urs, prayers and hymns were sung in praise of Allah. As the saint used to serve food to the needy as his contribution to the society, devotees, especially those living near to the shrine, cook vegetables, eggs, sweets and other dishes on the day of urs and invite their relatives for a feast. This feasting atmosphere can also be witnessed outside the shrine, where a number of people could be seen selling various eatables. ये उर्स पाक हर साल होता है, यहाँ पे दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। हमारा बहुत सारा अकीदा हमेशा हम इस पे डर के रहेंगे, हम इन यहाँ पे भी हर साल आते हैं, आज भी आए हैं अपने गुनाहों को तोबा करने के लिए। द दरगाह ऑफ शेख दाऊद साहिब होल्ड्स ग्रेट सिग्निफिकेंस as it welcomes people of all faiths to seek oneness with God and has been acting as a symbol of communal harmony for ages. भाईचारे की एक ऐसी ही फिजा पूंछ के मुकाम में बैसाखी के मौके पर देखने को मिली, जिसमें सभी मजाहिब के लोगों ने शिरकत की।
ANI की ही एक और रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। India leaves the entire world awestruck with its ability to be home to a number of different cultures and religions and imbibe them peacefully. During a number of occasions, people of various castes and communities could be seen gathered under one roof as a mark of brotherhood and bonhomie among them. A similar scene was witnessed in Poonch area of Jammu and Kashmir, where people of different religious communities came together to be a part of Baisakhi celebrations at Nagali Sahib Gurudwara. दूर दराज से लोग जो निगाली साहब में माथा टेकने के लिए आ रहे हैं। मैं आज सब हिंदू मुस्लिम सिख जो आज देखो आप एक पुंछ की रवायत बनी हुई है जहां हर मजहब के लोग यहां पर आकर निगाली साहब में माथा टेकते हैं। Devotees of all faiths gathered at the Gurudwara in Poonch and offered their prayers to mark the auspicious occasion. As food plays a major role in uniting different faiths, a community kitchen or langar was also organized in which devotees of different faiths and backgrounds sat together and enjoyed the meal. This year, as Baisakhi, Ramadan and Navratri fell on the same day, an even more secular and profane picture of our country was witnessed. एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आज बैसाखी है, आज पहला नवरात्रा है और कल से हमारा जो माह रमज़ान है वो भी शुरू होने वाला है। तो ये एक भगवान, एक खुदा, एक वाहेगुरु की एक कुदरत है कि इस बार जो हम नारा लगाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ताज जिंदाबाद, तो वो इस बार भगवान ने भी चाहा, वाहेगुरु ने भी चाहा और खुदा ने भी चाहा और तीनों ये चीज़ें जो हैं एक साथ इकट्ठी हो रही हैं। तो एक बार फिर मैं बैसाखी की, माह रमज़ान की और नवरात्रों की सबको अपने दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। It is due to events and occasions like these that citizens of different castes and communities get a chance to come closer and learn about the traditional heritage of various cultures. पाकिस्तान की जेल 14 बरस काटने के बाद बिलाकर जम्मू कश्मीर का एक शहरी धर्म सिंह वाघा बॉर्डर के जरिए वापस लौट आया है। इत्तलात के मुताबिक धर्म सिंह 14 बरस पहले गलती से LOC पार करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो गया था, जहां 14 साल वो लाहौर कोट लखपत की जेल में बंद रहा। कि 2003 में ये सांबा सेक्टर से गलती से पाकिस्तान की हद में घुस गया और पाकिस्तान वालों ने इसको पकड़ के इस पर केस रजिस्टर किया। उसके बाद इसको कोट लखपत जेल लाहौर में रखा गया। 14 साल की इसको सज़ा हुई और 14 साल की सज़ा काटने के उपरांत इसको आज हैंडओवर किया गया, जो आज करीब 2 बजे ज़ीरोलैंड क्रॉस करके हमारे इधर इमिग्रेशन ऑफिस और कस्टम होने के बाद इसका मेडिकल चेकअप किया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ अमृतसर जी की ओर से सरदार जगसीर सिंह, नायब तहसीलदार चुगावा और अटारी, इनकी ड्यूटी लगाई गई, जो इनको लेके एम्बुलेंस में लेके गुरु नानक हॉस्पिटल है अमृतसर, वहाँ पे इसको क्वारंटाइन किया जाएगा। 14 दिन के बाद इसका दोबारा मेडिकल ही होगा और उसके बाद इसके परिजनों को बुला के और उनके हैंडओवर किया जाएगा जी।
आपको एक ऐसी लड़की की दास्तान सुनाते हैं जिसने महदूद वसाइल के बावजूद बैंकिंग का आला इम्तहान पास किया। ANI को अपनी दास्तान सुनाते हुए पल्लवी शर्मा ने बताया कि अगर प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप प्रोग्राम ना होता तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकती थी। स्टार्टिंग से पहले मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँची हूँ। उसके बाद मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, धन्यवाद कहना चाहूँगी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने जो क्योंकि हम लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जो मैंने BTech की डिग्री भी करी है, अगर मुझे वो खुद से करनी होती तो मेरी फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम जो है जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए, उसके अंडर मैंने जो BTech है वो करी है, तो मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगी। और उसके बाद ये जो मैंने प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो PO का एग्ज़ाम क्लियर किया है, ये भी मैंने जो EWS कैटेगरी के अंडर जो है आजकल उनको ये फैसिलिटी मिल रही है कि उनको 10% रिजर्वेशन मिलती है जॉब्स में। हमारा आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन देखने का बहुत शुक्रिया। टैग TV कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।